हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ककड़ी की सब्ज़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ककड़ी की सब्ज़ी बनाना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये ककड़ी ली है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इनकी सब्ज़ी और खाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है ये शरीर के लिए, और इसे हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सब्ज़ी बनाना। तो मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर सबसे पहले सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल के गर्म होने के बाद में मैंने इसके अंदर जीरा और ये प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, वो डाल देंगे। और प्याज के साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पर हरी मिर्ची। तो मैंने यहाँ पे दो हरी मिर्ची कट करके रखी थी, वो डाल देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक कि प्याज का जो कलर है गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे दो टमाटर, जिसको मैंने कट कर लिया था, वो डालेंगे। और इन टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि टमाटर हमने पहले इसीलिए डालने हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएँ, गल जाएँ। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ककड़ी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ककड़ी डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ककड़ी की सब्ज़ी एक बार आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है ये और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो ये देखिए, ककड़ी को मैंने यहाँ पर लगभग एक से डेढ़ मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी के सभी मसाले। तो मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, हल्दी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी एक छोटी चम्मच के करीब और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटी चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर और एक छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सभी मसालों को अच्छे से और ककड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला है। और पानी अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है हमें पूरी सब्ज़ी के अंदर। तो ये देखिए, हमारी जो ककड़ी की सब्ज़ी है उसका कलर ही कितना शानदार आया है, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करके और 2 ही सीटी लगवाई है। 2 सीटी के बाद में देखिए हमारी सब्ज़ी बनके कितनी रेडी हुई है। और मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाला और फिर भी देखिए कितनी ग्रेवी बन गई है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में बहुत सारा पानी होता है, उसकी वजह से इसे अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। तो ये पक्के रेडी हो चुकी है। चलिए इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, फटाफट बनने वाली है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो ये देखिए, मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है, हमारी ककड़ी की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास में जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।